नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लंबा। कुर्सी से हटाए जाने के बाद भी मनोहर लाल खट्टर के तेवर बदलते हुए नजर नहीं है। जिस प्रकार 9.5 वर्ष तक उन्होंने अधिकारियों के ऊपर अपनी लगाम कसे रखी, अपनी कमान संभाले रखी, और कहीं ना कहीं वही तेवर है वो मुख्यमंत्री की कुर्सी जाने के बाद भी अपनाए हुए हैं, और अब भी वो चाहते हैं कि सीएम की तरह ही उनकी धाक हो, सीएम की तरह ही अधिकारी उनकी सुने, उनके आदेशों को माने, उनके आदेशों की पालना करें और उनका काम करके दें। हालांकि ऐसा हो नहीं रहा, और यही नतीजा रहा कि मनोहर लाल खट्टर को अब अधिकारियों को खुले मंच से, खुली जनसभा के बीच चेतावनी देनी पड़ गई। चेतावनी भी ऐसी, कहीं ना कहीं मतदान से एक दिन पहले जो चेतावनी दी उसका वीडियो भी अब वायरल हो चुका है, और कहीं ना कहीं चर्चा हर जगह इस बात की बनी हुई है कि पूर्व मुख्यमंत्री, या फिर यूं कहा जाए कि बीजेपी के सुपर सीएम नायब सिंह सैनी से भी ऊपर के सीएम मनोहर लाल खट्टर, जिनकी अब भी कहीं ना कहीं फैसलों के अंदर माना जाता है कि पूर्ण भागीदारी रहती है, क्या करना है क्या नहीं करना। उनके द्वारा अगर अधिकारियों पर ऐसी बात बोली गई तो कहीं ना कहीं एक बड़ा मुद्दा जरूर बन रहा है। पहले मुख्यमंत्री का वो वीडियो देख लीजिए, उसके बाद विस्तार से चर्चा करेंगे। कुछ हमारे कर्मचारी अधिकारी ये कहीं ना कहीं पुराने खुट्टों से बंधे हुए हैं, और वे इन इलेक्शनों में भी गड़बड़ करने लग गए हैं। कोई भी छोटी सी बात, क्योंकि नुक्ते बहुत जानते हैं, जनता को परेशान करने के लिए कोई चिट्ठी निकाल देंगे, क्या ये तुम्हारे ऊपर रिकवरी डाली, जल्दी लेके आओ, ये तुम्हारे खिलाफ ये कार्रवाई करेंगे, FIR करा देंगे, तुम ये काम करो। रोजाना नया तमाशा पिछले एक महीने से मैं देख रहा हूं। मैं कर्मचारियों को इस मंच से और वार्न करना चाहता हूं कि अगर कहीं इस राजनीति के इस भंवर में फंस करके आपने को उल्टा काम किया तो 4 जून तक तो थारा, 5 जून के बाद भाइयों हमारा, हम जो चाहेंगे सो करें। तो सुना आपने वो वीडियो, अब चर्चा करेंगे, और चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं हरियाणा न्यूज 24 के वरिष्ठ संवाददाता मुन्ना लांबा। आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज 24। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे मनोहर लाल खट्टर का ये कहना, खुले मंच से अधिकारियों को धमकी कहें, चेतावनी कहें, या फिर कहीं ना कहीं उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि कुछ अधिकारी जो खुट्टे से बंधे रहते हैं, पुराना खुट्टा है उसके साथ ही लगे हुए, उसके साथ ही बंधे हुए हैं, 4 जून तक वो जो करना चाहते हैं कर लें, 5 जून के बाद हमारा समय होगा, हम जो चाहेंगे वो होगा। तो ये तभी जनता ने सुना ही है, दर्शकों ने देखा भी होगा। आज खट्टर साहब को पता चल पाया कि क्योंकि पीछे इनके नेता भी कहते फिरते थे हमारी चलती नहीं है, अधिकारी हमारी मानते नहीं हैं, आम जनता भी कहते थी अधिकारियों का बोलबाला है, अधिकारियों की चलती है। आज खट्टर साहब को ही खुद जनता के सामने कहना पड़ रहा है कि अधिकारी मान नहीं रहे हैं, अधिकारी कई गड़बड़ियां कर रहे हैं चुनाव से पहले, अधिकारी पता नहीं क्या क्या तरीके से जनता को परेशान कर रहे हैं। तो ये कई जो अधिकारी हैं खुट्टे से बंधे हुए हैं, 4 जून तक का देसी भाषा में बोल के गए इनको टाइम्स है, 4 जून के बाद मारो टाइम होगो और हम देख लेंगे अधिकारियों ने, ऐसे ऐसे अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। कहिए कि अब आप कह रहे हैं कि उनको अब जो है शिकायत करनी पड़ गई, चेतावनी देनी पड़ गई, 9.5 वर्ष तक सीएम रहे, और कहने के उन्होंने कहा कि बीजेपी की अच्छी कमांड है, अच्छी पकड़ है एडमिनिस्ट्रेशन पर, अधिकारियों पर। लेकिन आपने बताया कि जो बीजेपी के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, विधायक या फिर मंत्री क्यों ना हो, अक्सर उनकी शिकायतें रही कि अधिकारी मानते नहीं हैं, अधिकारी विधायकों तक की सुनते नहीं हैं, कोई काम करके नहीं देते, आम जनता को परेशान करते हैं, वगैरह वगैरह तमाम शिकायतें रही, जिसका जवाब यही रहा कि हमारी सरकार में हर व्यक्ति खुश है, अधिकारी कहीं ना कहीं जनता के हित में काम कर रहे हैं, अधिकारी सरकार के अंडर में है और सुन रहे हैं। लेकिन अब उनके सामने सच्चाई और हकीकत आ चुकी है नजर। जी, अब सबसे बड़ी बात यह हो गई, क्योंकि अब उनको पता भी चल चुका है, अब खुट्टे की बात की, बोले खुट्टे से बंधे हुए हैं, उनको हम देख लेंगे 4 जून के बाद हमारा समय का, अधिकारी ये इस बात को मत बोल रहे। लेकिन खट्टर साहब कहने से खुट्टे से बंधे हुए तो उनके साथ भी हैं कई अधिकारी, ऐसा नहीं है, सत्ता उनकी, सरकार उनकी है, खुट्टे से उनके साथ भी बंध रहे हैं, खुट्टे से पिछली सरकारें उनके भी खुट्टे से बंधे होंगे, तो खुट्टे की बात तो ना करें तो भी बेस्ट है, क्योंकि खुट्टे से धारे अधिकारी कहीं ना कहीं बंधा होता है। अब बात है अधिकारियों की, अब अधिकारियों खट्टे सामने आज पता चला है कि अधिकारी जनता तरस है, क्योंकि हम पूरे हरियाणा में सर्वे, करनाल में एक सर्वे कर रहे थे, वहाँ पर कई लोग आके खड़े हो गए, हमारा राशन कार्ड काट दिया, हम तो गरीब आदमी हैं,
हमारा बिजली का कनेक्शन काट दिया, अब ये रिकवरी भेज दी बैंक ने, यानी मनमानी काट रहे हैं। चुनाव के समय हम कोसली में सर्वे कर रहे थे, ऐसे ही कई लोग आए चुनाव के समय, ये बोला हम डीजे करते हैं, हमारा साथ ऐसी बदसलूकी कर रहे हैं। ये कह सकते हैं अधिकारियों की मनमानी एक तरीके से, बस कहीं रोहतक में, कभी हम बेरी गए, कभी कई जगह, मतलब हम घूमे हैं, तो जनता की फिलहाल ये परेशानी रही है। अब खट्टर साहब को इस बात का पता चला है कि वास्तव में ही ऐसा कुछ हो रहा है, खट्टर साहब की मानी नहीं गई है। शायद ये जो अधिकारी ने किसी ने को बात तो ज़रूर हुई है, या तो खट्टर साहब के सबसे में मुख्यमंत्री उस समय मानते थे, अब अधिकारियों की मजबूरी है, मुख्यमंत्री को तो मानना पड़ेगा आदेश को। अब तो मुख्यमंत्री नायब सैनी है, अब ये मुख्यमंत्री तो है नहीं, और मुख्यमंत्री ना होते भी मुख्यमंत्री अपनी फीलिंग ले रहे हैं, फीलिंग तो फीलिंग के तहत ये वो वे में कह देते हैं भाई ये करो वो करो। अब अधिकारी तो जिसके पास ताकत और कलम होगी ना उसी की मानेंगे ना, तो ये भी नहीं बोलना चाहिए खट्टर साहब को, तो कहीं ना कहीं किसी अधिकारी ने मना कर दिया होगा, ये भी हो सकता है। लेकिन बड़ी बात ये है कि आपने बताया कि जनता त्रस्त है, लेकिन यहाँ पर एक बात ये भी सुनने में आती है, अक्सर चर्चाएं चलती हैं कि जो पूर्व की सरकारों में, चाहे भूपेंद्र हुड्डा की सरकार रही हो, चाहे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की सरकार रही हो, या उससे पूर्व में चाहे भजन लाल की सरकार रही हो, बंसीलाल की सरकार रही हो, उनके अधिकारियों पर जबरदस्त पकड़ थी, एक मजबूत पकड़। अधिकारी कहीं ना कहीं विधायकों से, मंत्रियों से और सरकार के लोगों से डरते थे, जो एक पद पर बैठे हैं उसकी गरिमा बनाकर रखते थे, और उनके आदेश को टालना कहीं ना कहीं उस नेता का अपमान करना या फिर उस नेता की, उस पद की तोहिन करने के समान माना जाता था। अब जनता कहती है कि बीजेपी सरकार जब से आई है अधिकारी अपने आप को मुख्यमंत्री समझते हैं, और कहीं ना कहीं जो विधायक हैं, जो सांसद हैं और पार्टी के जो संगठन के लोग भी हैं उनकी कुछ चलती नहीं है, वो एक आम आदमी से भी नीचे के दर्जे के माने जा रहे हैं, इस बात में कितनी सच्चाई माने? देखो पहले वाले जो चौधरी भजन लाल थे, चौधरी बंसीलाल थे, ओम प्रकाश चौटाला जी, ये अलग तरीके की राजनीति थी, ये ग्राउंड के हीरो थे, और खट्टर साहब कहीं ना कहीं चंडीगढ़ के एक मुख्यमंत्री बन के रह गए, ये बाहर नहीं जा, चार दीवारी के सीएम ना तो किसी से मिले, ना जनता के बीच गए, और ना जनता का खट्टर साहब ने ज़्यादा कुछ, मतलब ज़्यादा गए नहीं, ज़्यादा पूछा नहीं, इनके बाहर जो लोग थे ना उन्होंने क्राइटेरिया बना दिया और उनकी चली, उनकी सुनते रहे, लेकिन अब इनको पता चले तुम बहुत बड़ी गलती की है, जनता के बीच तो जा नहीं पाए तुम। नहीं, वो तो कहते कि हमने जनसंपर्क किया, हम हरियाणा के हर हिस्से में पहुँचे, गांव तक पहुंचने की कोशिश की, आम लोग सीधे मिल पाए मुख्यमंत्री से, ऐसा किसी ने किया ही नहीं आज तक। वो तो वोट के समय सब करते हैं अपने अपने तरीके से होता है, वो तो चुनाव के समय आगे चले गए, हमने जमाना लेके सब चले गए, लेकिन हकीकत है ये है खट्टर साहब हो कि छोड़ के, जैसे हुड्डा का राज रहा 10 साल पहले, ये जमीनी सतर पे सभाएं लगाना, जनता के बीच जाना, गाय बगाई कहीं किसी जगह खड़ा हो जाना, जाके किसी घर पे चाय पी लेना, बैठ जाना, तो खट्टर साहब ने कहने की दूरी बना रखी है चंडीगढ़ के मुख्यमंत्री बन के रहे हैं, तो अब इनको कहने का अंदाज़ा हुआ है कि हाँ कुछ न कुछ गड़बड़ हो रहा है। और मुझे कई कार्यकर्ता मिले हैं इनके, बीजेपी के कई नेता मिले हैं, जो उन्होंने मेरे सामने बातचीत की कैमरे के सामने भी, कि हमने रिटेल में चंडीगढ़ लिख के दे रखा है कि अधिकारी फिलहाल जनता को दुखी कर रहे हैं, जनता को दुखी कर रहे हैं, ऐन मौके पे आके जो खूटे से बंधे हुए हैं, तो बोलो हमने शिकायत करके चुनाव के बाद देखेंगे, देखा जाएगा। तो ऐसा नहीं है खट्टर साहब ने अगर कुछ बोला है तो कुछ, कहीं ना कहीं इसमें पार्टी का एक अहम रोल है, क्योंकि पार्टी ने मुख्यमंत्री पद से हटाया, करनाल लोकसभा का प्रत्याशी बना दिया, आम लोगों के बीच जाना पड़ा, वोट मांगने पड़े, नहीं तो कहीं ना कहीं मनोहर लाल खट्टर का ये कहा जाता है, जनता के बीच ये चर्चाएं भी चलती हैं कि जितना एक माने की घमंड एक तरीके से कहा जाए, तो वो जो मनोहर लाल खट्टर में था वो पहले किसी सीएम में देखने को नहीं मिला, जितना कि एक एरोगेंस उनके अंदर देखने को मिला, एक पद का कहीं ना कहीं जो एक भूत सवार हो जाता है सत्ता की कुर्सी का, वो कहीं ना कहीं उनके सिर चढ़कर बोल रहा था। सत्ता तो आनी जानी चीज है, पहले चौधरी बंसीलाल थे, वो जो सत्ता होती है ताकत अपने सब में हो जाती है, उसके बाद चौधरी ओम प्रकाश चौटाला थे, वो भी 5 बार वो, लेकिन वो उस समय वो भी अपने आप को, लेकिन इतना नहीं समझते थे वो, जो यो अपने आप को समझ रहे, तो ये तो डलती बोली 5 साल बाद ज़मीन पे आना पड़ता है, आप 5 साल वोट ले सकते हो या 10 साल ले सकते हो, उसके बाद जनता कहीं ना कहीं देख लेती है, परख लेती है, तो सीएम साहब को ये नहीं बोलना चाहिए, जनता के बीच आना पड़ेगा और जनता सवाल जवाब करेगी, सवाल जवाब करेगी तो उनके जवाब देने पड़ेंगे, जनता के बीच रह के काम करना पड़ेगा। कहने की खट्टर साहब देखो चंडीगढ़ के मुख्यमंत्री, आपको नहीं लगता कि जब पार्टी ने
हाईकमान का डंडा चला, मनोहर लाल खट्टर की कुर्सी चली गई। उस कुर्सी पर नायब सिंह सैनी को नए सिरे से बिठाया गया। तो उस समय मनोहर लाल खट्टर को समझ जाना चाहिए था कि आपने अपने 9.5 साल के कार्यकाल में क्या कमियां छोड़ी हैं। कहीं ना कहीं हरियाणा प्रदेश की जनता एक मुख्यमंत्री के खिलाफ क्यों खड़ी है, आपके एक व्यक्ति के कारण, एक नाम के कारण है, पूरी बीजेपी से कहीं ना कहीं जनता मुख क्यों मोड़ रही है। लेकिन वो फिर भी नहीं समझे। अब जब चुनाव बिल्कुल पूरा होने को है, मतदान की घड़ी आ चुकी है, अब वो कहते हैं कि अधिकारी हमारी मानते थे। आपको नहीं लगता कि समझने में वो देर कर गए काफी? काफी देर कर गए। अब ये तो आने वाला समय बताएगा। बाकी हरियाणा में जीतना इतना आसान नहीं है किसी का भी, क्योंकि बहुत कांटे की टक्कर है, ऐसे बात नहीं है कई सीटों पे तो। और अब तो समय बताएगा कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, ये तो अगले एपिसोड में बातचीत करेंगे जीतने। लेकिन एक बड़ी बात, आज का मुद्दा ये था, कट्टर साहब ने माइक पे कहा है कि 4 जून के बाद देखेंगे। तो 4 जून के बाद ऐसी बात नहीं, अधिकारी में घास तो गिरेगी जरूर कुछ न कुछ। लेकिन वो जब तक सीएम रहे तब तक शायद ही कहीं कार्रवाई कर पाए किसी अधिकारी पर। हालांकि उनके मुकाबले गृह मंत्री अनिल विज की बात की जाए, उन्होंने जबरदस्त एक्शन लिया, अनेक चौकी थानों के ऊपर रेड मारी, अनेक पुलिस कर्मियों को सस्पेंड भी उन्होंने किया, बर्खास्त किया। जब कोई व्यक्ति उनके दरबार में दलील लेकर पहुंचता था तो वहां पर भी वो तुरंत प्रभाव से एक्शन लेते थे, उसका समाधान करके देते थे। मनोहर लाल खट्टर की बजाय अनिल विज कहीं ना कहीं अपनी ज्यादा पकड़ बना पाए मुख्यमंत्री ना होने के बावजूद भी। अनिल विज एक अलग तेज तर्रार गरम दल का नेता के रूप में गिने जाते हैं, और खट्टर साहब थोड़ा सा चांस हुआ। लेकिन एक, एक एक बड़ी बात यह है कि मनोहर लाल खट्टर, जिनको कोई अनुभव नहीं था राजनीति का, नए नए राजनीति में आए, करनाल से चुनाव जीता और सीधे मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा दिए। ऐसे में कहीं ना कहीं अधिकारियों को किस प्रकार हैंडल करना है, 2014 से उनके सामने ये समस्या खड़ी थी, एक चुनौती बनकर, एक बड़ी मुसीबत बनकर कि अधिकारियों को किस प्रकार हैंडल करना है, कैसे टैकल करना है, पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे चलाना है, और वो इसको इस समस्या से छुटकारा पाने में 9.5 साल में नाकाम रहे। जी बिल्कुल, ये तो रहा है बिल्कुल, 9.5 साल तक जनता ने देखा है। और लेकिन फिर भी देखो, अभी जो वोट इलेक्शन की बात चल रही है 10 सीटों पे, अभी तो काफ़ी टफ है, ऐसे इतना आसान नहीं है किसी का भी जीतना। और ये तो आने वाला समय क्लियर करेगा कौन जीत रहा है कौन हारा कहाँ से। लेकिन इतना कन्फर्म है, कई अधिकारी मौका प्रस्त भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है, वो मौका देख के वो पलटी मार जाते हैं, क्योंकि अभी सरकार कोई आएगी तो उसकी तरफ आप वो झुक जाते हैं, अपना पलड़ा उस तरफ कर लेते हैं, अगले कोई सरकार है उस तरफ कर लेते हैं। तो अधिकारियों के ये मौका प्रस्त भी होते हैं कई अधिकारी, इनमें ऐसा नहीं है, तो वो समय को भाप लेते हैं, देख लेते हैं, तो उसी तरफ उल्टी मार लेते हैं वो। जी तो, धन्यवाद लामा साहब, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। तो हमारे साथ मुन्ना लामा, वरिष्ठ संवाददाता, हरियाणा News24 के चर्चा में बने हुए थे। चर्चा की मनोहर लाल खट्टर के मुद्दे को लेकर, क्योंकि उनका एक वीडियो जो वायरल हो रहा है, उन्होंने स्पष्ट तौर पर चेतावनी अधिकारियों को दे दी कि 4 तारीख तक का समय आपका है, 4 जून तक का समय आपका है, जो करना कर लीजिए, 5 जून के बाद का समय हमारा होगा, हम जो करेंगे वो फिर आपको देखना है कि हम क्या कुछ करने वाले, क्या एक्शन लेंगे। ये सीधी चेतावनी अधिकारियों को, कहीं ना कहीं अधिकारी जो मनोहर लाल खट्टर का आदेश नहीं मानने, या फिर मनोहर लाल खट्टर के सामने बड़ी देरी से यह बात सामने आई कि जनता पिछले 9.5 साल से लगातार जो शिकायत कर रही है कि अधिकारी किसी की सुनते नहीं है, अपनी मनमानी कर रहे हैं, अब मनोहर लाल खट्टर को भी वो बात पता चल चुकी है। खैर, इस बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट में अपनी राय जरूर रख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा News24, नमस्कार, जय हिंद।